दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चिकन स्किन। आपने कई लोगों के हाथों पर, कंधों पर, माथे पर बारीक बारीक दाने देखे होंगे। हो सकता है आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिनके माथे पर, बाजुओं के ऊपरी भाग पर, कमर पर, हिप्स पर और जांघों पर बारीक बारीक दाने उभरे हुए हों। ये दाने सफ़ेद और गुलाबी रंग के होते हैं और ये बिल्कुल ड्राई होते हैं, परंतु ये पिंपल्स या एक्ने नहीं होते हैं। इन्हें कहा जाता है चिकन स्किन और इन्हें टाइनी बम्स भी कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इसे कहा जाता है केराटोसिस पिलारिसिस। लोग इसे नाम से नहीं जानते हैं, ये बहुत ही आम है और बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों होते हैं टाइनी बम्स। इसकी एक खास वजह है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केराटिन। ये प्रोटीन हमारे बालों की जड़ों में होता है। जब यह प्रोटीन जरूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो हमारे पोर्स को भर देता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है। पोर्स यानी हमारी स्किन के ऊपर जो बारीक छेद होते हैं, वो जिन्हें हम रोम छिद्र भी कहते हैं। जब केराटिन एक्सेस मात्रा में बनने लग जाता है तो ये पोर्स को भर देता है और उन्हें बंद कर देता है, जिसकी वजह से बाल बाहर निकलने के बजाय अंदर ही फंस जाता है और स्किन के ऊपर एक उभार बना देता है जो दानों में बदल जाता है, जिसे हम टाइनी बम्स बोलते हैं। ये टाइनी बम्स ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा होता है। बहुत से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनके द्वारा आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा ही उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत ही अचूक भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही असरदार है जो इन टाइनी बम्स को ख़त्म करने में आपके बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टेप है टाइनी बम्स के लिए स्क्रबिंग। इसके लिए आपको लेना है शुगर, एक चम्मच चीनी ले लें। अब इसमें आपको एक चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल को लिया है। एक चम्मच तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे अपने इफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें और जेंटली स्क्रबिंग करें। 3 से 5 मिनट तक मसाज करें। रोजाना इसे यूज़ करने से डेड स्किन निकल जाती है। इन टाइनी बम्स को ख़त्म करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। कुछ ही वीक्स में आपकी स्किन स्मूथ होने लगेगी। इस स्क्रबिंग ट्रीटमेंट को कम से कम हफ्ते में 3 बार जरूर करें। अपने इफेक्टेड एरिया पर जरूर लगाएं। इसे स्क्रबिंग करने के बाद अपने इफेक्टेड एरिया को वॉश कर लें और क्लीन टॉवल से साफ कर लें। दोस्तों, हमारा सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग पैक। इस ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए दही। अपने इफेक्टेड एरिया को मॉइस्चराइजिंग करने और नरिशिंग करने के लिए आपको दही लेना है। इसके लिए ठंडी दही लें, 1 चम्मच दही ले लें और अपने इफेक्टेड एरिया पर लगाएं। 10 से 15 मिनट के लिए इसे लगाकर छोड़ दें। ये आपके स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, रफनेस को दूर करता है और स्किन को क्लियर और स्मूथ बनाता है। दही को वॉश करने के बाद साफ टॉवल से इसे पोंछ लें, स्किन को सुखा लें। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप लेना है अपना, जो कि है बाथिंग पैक। इस लास्ट स्टेप के लिए हमें एक पैक बनाना है और हम लेंगे इसके लिए ओट्स पाउडर। आप ओट्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। ओट्स लेकर अब हमें इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच दूध। आप दूध भी ले सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, चाहे तो रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। मैं इसमें दूध मिक्स करूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, एक पेस्ट बना लें। इसे इफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें। 3 से 4 मिनट तक जेंटल मसाज करें इससे और इसे लगा के छोड़ दें। इसे 5 से 10 मिनट लगा के छोड़ दें। ओट्स स्किन फ्रेंडली होते हैं, ये आपके टाइनी बम्स को रिमूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसे लगाने के बाद 15 मिनट बाद इसे वॉश कर लें, साफ टॉवल से इसे ड्राई कर लें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।